हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आज हम लेमन साबूदाना वड़ा दयाना लिंगेकर इनकी रेसिपी देखेंगे। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। स्पेशल लेमन साबूदाना वड़ा। ओके, आज हम इसकी रेसिपी सीखेंगे। ये देखो, एक रात भर मैंने साबूदाना भिगा दिया, ज़रा ज़्यादा पानी में भिगाने का। फिर उसमें मिर्ची कट करके डाली है, लेमन का रस डाला है, ये काला नमक है, काला नमक मैंने डाला है। फिर ये घी है, उसमें एक चम्मच घी या ज़्यादा तुम्हारे हिसाब से ले सकते हैं, कैसा भी तुम घी ले सकते हैं। मैंने एक चम्मच डाल दिया उसके अंदर। जब घी का वड़ा जब तलते हैं ना, तो इतनी खुशबू आती है, पूछो मत। ये देखो, ये मैंने फल्ली के दाने उसको मिक्सर में पीस के लिए है, साबूदाना से, और उसमें लहसुन जीरा डाल के लिया है, दरदरा पीस के लिया है, और लहसुन जीरा डाल के पीस के लिया। ये देखो, मैंने गैस लगाया, उसके ऊपर बर्तन रखा। जब बर्तन रखा तब फ्लेम को बड़ा करने का। फिर बड़ा करके मैंने उसमें तेल डाल दिया। तेल अपने हिसाब से डालने का, तुम कितने वड़े बना रहे हो उसके हिसाब से तेल रहता है। जैसे मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, आज का थोड़ा सा स्पेशल डे है, मेरे हस्बैंड ने बोले कि थोड़ा सा ज़्यादा वड़ा बना लेना, इसलिए मैंने वड़े ज़रा ज़्यादा बना लिए। वो तुम्हारे हिसाब से तुम बनाते जाना। और देखो, जब ये अपना पूरा वड़ा बनाने का साबूदाना पूरा मिक्सअप हो जाता है, उसमें मैंने आलू भी डाले, दो आलू भी डाले स्मैश करके। जब हो जाएगा तब ऐसे आप प्रेस करके लेने का, एक जिसके हम रोटी बेलते हैं वो पाट के ऊपर, और ऐसे वड़े बनाने के। और देखो, ये मैंने ऐसे वड़े बना के रख दिए पूरे। फिर बाद में एक अपना तेल कितना गर्म हो गया वो देखने के लिए, उसके अंदर एक दाना डाल के देखने का, वो तल के ऊपर आ गया, तब मैंने पूरे वड़े छोड़ दिए उसके अंदर। और ये देखो, इसका तेल बाजू को आ रहा है, मतलब ये पक रहा है। और जब तक पकता नहीं तब तक थोड़ा सा हल्का सा इधर से उधर उसको हिलाने का। फिर थोड़ी देर के बाद उसको ब्राउन कलर आ गया कि उसको उल्टा कर देने का, वड़े को उल्टा कर देने का, तो तेल में अच्छा पक जाता वो। देखो, अच्छा पक जा रहा है तेल में। और दोस्तों, कैसे है, कैसा चल रहा है लॉकडाउन? आप बात नहीं करते मेरे से, मैं आपके लिए इतना अच्छा अच्छा वीडियो बनाती हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा लेमन का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा तेल छान लेने का और एक पेपर के ऊपर रख देने का, उसको तेल छान छान के निकालने का। हाँ, ये देखो, मैंने तेल छान छान के निकाला, चार वड़े बाहर निकाल दिया मैंने। ये देखो, एकदम कुरकुरे, एकदम क्रिस्पी हो गए। और ये लेमन के रस के साथ तुम खा सकते हो, डेकोरेट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।